Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आम आदमी कुछ खरीदना चाहे तो पैसा ज्यादा भरे, क्योंकि महंगाई सातवें आसमान पर है। आम आदमी पैसा बैंक में जमा करना चाहे तो सेविंग दर 3-4% मिल पाएगी बस, यानी जितना महंगाई पैसा निकाल लेती है बचत खाते में उतना पैसा भी नहीं मिलता। और अब आम आदमी जिसने अपनी सैलरी से भविष्य निधि के नाम पर PF में पैसा जमा किया, वहां भी EPFO की तरफ से ब्याज दर घटाने से कम पैसा मिलेगा। अब आपको PF खाते में जमा रकम पर 8.5% की बजाय 8.1% ब्याज मिलेगा। PF जमा पर ब्याज की ये दर 40 साल में सबसे कम है। पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से PF पर 8.5% की दर से ब्याज मिल रहा था। देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारी PF के दायरे में आते हैं। PF जमा पर ब्याज घटना नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। PF खाते में जमा रकम को नौकरी पेशा लोग भविष्य के लिए रखते हैं। EPFO एक्ट के तहत कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते की 12% रकम PF खाते में जाता है, तो वही कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कॉन्ट्रीब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के PF अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि PF खाते पर ब्याज दर घटने से आपको कितना फर्क पड़ने वाला है। इसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपके PF अकाउंट में 31 मार्च 2022 तक कुल 5 लाख रुपए जमा है। ऐसे में अगर आपको 8.5% की दर से ब्याज मिलता है तो आपको 5 लाख पर 42,500 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन अब ब्याज दर को घटाकर 8.1% कर दिया गया है तो अब आपको 40,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी आपको 2,000 रुपए पूरे साल का ब्याज कम मिलेगा। एक जमाना था जब PF खाते पर 12% का ब्याज मिलता था। साल 1989 से 1999 तक PF खाते पर 12% का ब्याज मिला करता था। उसके बाद ब्याज दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के करीब नहीं पहुंची। 2001 के बाद से ये 9.50% के नीचे ही रही। पिछले 7 सालों में ये 8.50 या फिर उससे कम रही है। PF पर ब्याज का कम होना बड़ा झटका है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ता है। PF पर ब्याज दर तय होने के बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर का ब्याज PF धारकों के खाते में आ जाएगा।